महाराज सरकार का रिया चक्रवर्ती को बचाने का प्रयास और रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता के रूप में महाराज सरकार का रवैया और पूरे मामले में लीपापोती करने का महाराज सरकार का प्रयास समस्त देश और दुनिया के लोगों ने देखा है। ऐसे कौन से कारण हैं कि सीबीआई की लंबी जांच के बाद रिया चक्रवर्ती मुंबई के पुलिस के दफ्तर में पहुंचती है? क्या वो पुलिस के द्वारा महाराज सरकार को जांच का पूरा ब्यौरा दे रही है? कौन सी साठगांठ है महाराज सरकार की और रिया चक्रवर्ती की? जब सुशांत का परिवार पुलिस का संरक्षण पूछता है, उन्हें नहीं दिया जाता, उन्हें अपमानित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, पर रिया के पूछने के बाद रेड कार्पेट की तरह उसे पुलिस संरक्षण दिया जाता है। महाराज सरकार की और रिया की साठगांठ क्या है? क्या सीबीआई जांच का पूरा ब्यौरा वो महाराज सरकार को दे रही है? क्या है इस बात का जवाब महाराज सरकार को देना होगा। महाराज सरकार का रिया चक्रवर्ती को बचाने का प्रयास और रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता के रूप में महाराज सरकार का रवैया और पूरे मामले में लीपापोती करने का महाराज सरकार का प्रयास समस्त देश और दुनिया के लोगों ने देखा है। ऐसे कौन से कारण हैं कि सीबीआई की लंबी जांच के बाद रिया चक्रवर्ती मुंबई के पुलिस के दफ्तर में पहुंचती है? क्या वो पुलिस के द्वारा महाराज सरकार को जांच का पूरा ब्यौरा दे रही है? कौन सी साठगांठ है महाराज सरकार की और रिया चक्रवर्ती की? जब सुशांत का परिवार पुलिस का संरक्षण पूछता है, उन्हें नहीं दिया जाता, उन्हें अपमानित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, पर रिया के पूछने के बाद रेड कार्पेट की तरह उसे पुलिस संरक्षण दिया जाता है। महाराज सरकार की और रिया की साठगांठ क्या है? क्या सीबीआई जांच का पूरा ब्यौरा वो महाराज सरकार को दे रही है? क्या है इस बात का जवाब महाराज सरकार को देना होगा।